जब आप आसपास गरीबी देखते हैं, तकलीफें देखते हैं, लोगों के चेहरे पर लाचारी देखते हैं, अगर किसी का दुख बांटना ही चाहते हो तो काम कुछ ऐसा करो कि दूसरों की जिंदगी में खुशी आए। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी, एक अमीर व्यापारी, ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी, एक अमीर व्यापारी, ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख
के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी, एक अमीर व्यापारी, ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया।
कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर बढ़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने 3 दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका 1 साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के 3 और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं।
प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में चारों दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में चारों दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों
भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर बढ़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी
साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है।
हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर बढ़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर बढ़ती है।
मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकृष्ण के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकृष्ण से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत
का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया।
विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया।
विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं
और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह इकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख
के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी, एक अमीर व्यापारी, ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया।
कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर बढ़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने 3 दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका 1 साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के 3 और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं।
प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने 3 दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका 1 साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के 3 और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों
भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है
और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है।
हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है।
मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकृष्ण के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकृष्ण से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत
का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया।
विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया।
विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं
और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख
के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया।
कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने 3 दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा। अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका 1 साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के 3 और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है जब बच्चे बड़े होते हैं।
प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षा पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने 3 दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका 1 साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के 3 और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों
भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से भय जाते हैं, क्योंकि विवेक को विरासत का प्रभारी क्यों ना दिया जाए। इससे ममता बहुत पागल हो जाती है। वह रामकिशन के फैसले पर सवाल उठाती है। सभी बेटों के बीच समान रूप से विभाजन वह चाहती है। वह सहमत है क्योंकि परिवार को विभाजन अब हो रहा है। यह पता लगने के बाद विवेक का दिल टूट गया। विवेक ने रामकिशन से प्रेम को साम्राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी कहा और साधना के साथ अपने गांव रामपुर वापस चले जाने का फैसला करता है। उनके साथ विनोद भी वहां पर जाने का तय करता है। प्रेम ने विवेक को परिवार का मुखिया के रूप में बदलने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विवेक उसे परिवार के भीतर और संघर्ष को रोकने के हितों की योजना बनाने के साथ जाने के लिए मना कर देता है। प्रेम ममता से कहती है कि वह शादी नहीं करेगा, अगर वह चाहती है तो विवेक की जगह वह नहीं ले। संगीता ममता से विवेक को वापस लाने के लिए कहती है। अंततः धर्मराज यह महसूस करते हैं और वह माफ़ी मांगते हुए गलत तरीकों से परिवार का प्यार खत्म नहीं कर सकता यह भी मान लेता है। अंततः सभी सदा सुखी रहने का फैसला होता है। हम साथ साथ है मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां पर पिछले दिनों रामकिशन चतुर्वेदी एक अमीर व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को दुख के साथ खो दिया। लक्ष्मी की मौत हो गई। उसका एक साल का बेटा विवेक है। रामकिशन ने ममता से शादी करने का फैसला किया और विवेक भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही स्वीकार करता है तथा उनका सम्मान करता है, उनको माँ की तरह ही मानता है। बाद में दोनों के तीन और बच्चे हुए, जिनके नाम संगीता, प्रेम और विनोद रखा गया। कहानी 7 सालों बाद की दिखाई जाती है। विवेक और प्रेम और विनोद को एक संभावित दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए विवेक घायल हो गया और उसके दाहिने हाथ में चोट लगती है। चोट की वजह से वह अब अपंग हो गया है। वह बिना पैसा की नहीं चल पाता। कहानी 19 साल की होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं। प्रेम पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से घर लौटता है। संगीता अपने पति आनंद और बेटी राधिका के साथ जीवन जी रहा है। विनोद पढ़ाई में व्यस्त है। विवेक का अभी भी हाल हाथ का इलाज चल रहा है, जो कि अस्पताल में 4 दिन जाता है। रामकिशन तथा ममता की जयंती समारोह पर चारों भाई बहन उन्हें सम्मान के साथ शुभकामना देने का फैसला करते हैं। उनके लिए विवेक का प्यार देखकर रामकिशन के कारोबारी सहयोगी आदर्श की बेटी साधना, जो कि उन्हें पहले ही नज़र में पसंद करती है, आदर्श उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजता है। विवेक का माना जाता है और शादी
साधना से ही वह करना चाहता है। विनोद चुपके से साधना से प्यार करने भी लगती है। रामकिशन के सहयोगी धर्मराज वाजपेयी की वह एकलौती बेटी थी। वे प्रेम और प्रीति के प्यार को भी एक दूसरे का एहसास करवाते हैं। रामकिशन की दोस्त प्रीतम की बेटी को प्रीति के तौर पर दिखाया जाता है। हर कोई उन्हें शामिल करने के लिए इसमें सहमत है। आखिरकार प्रेम और प्रीति तथा विनोद और सपना के बारे में सभी को पता चल जाता है। जल्दी ही उनकी सगाई भी करने का फैसला किया जाता है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मुख्य प्रबंधक बनाने का फैसला कर लेता है। कहानी एक कड़वे सच के ओर पड़ती है। मोड़ तब आता है जब आनंद का भाई अनुराग उसे विरासत में धोखा देता है और पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा मांगता है। इस घटना से ममता के मन में असुरक्षता पैदा होनी शुरू होती है। इसी बीच अपने तीन दोस्त और धर्मराज उनके दिमाग में इस विचार से